स्वागत है पॉल पट्टी में और आज देखते हैं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है सुधीर चौधरी का, उसकी क्या सच्चाई है। पत्रकार सुधीर चौधरी के साथ मारपीट होने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस कार्यालय को जी न्यूज का ऑफिस की तरह दिखाया जा रहा है और ये वीडियो वायरल किया जा रहा है। क्या इसकी सच्चाई है, किस तरीके से हम इसकी सच्चाई तक पहुंचे, वो हम आज बात करेंगे। पत्रकार सुधीर चौधरी के साथ मारपीट और जी न्यूज के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई, ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि सोशल साइट्स पर लगातार ट्रेंड में है। हम आपको बताएंगे कि क्या इसकी सच्चाई है और जब हमने इसके फैक्ट चेक किया तो क्या इसके पीछे का सच्चाई निकल कर सामने आई। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पत्रकार सुधीर चौधरी का एक फोटो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि सुधीर चौधरी के साथ मारपीट की गई है। वहीं साथ में एक फोटो भी शेयर किया जा रहा है जिसमें पत्रकार के चेहरे पर चोट नजर आ रही है। साथ ही एक अन्य फोटो में तोड़फोड़ की तस्वीरें भी है। जब हमने इस वीडियो की जांच की तो क्या कुछ निकला, वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। एक एक करके सभी का नंबर आया और सुधीर चौधरी की फोटो शेयर कर रहे सोशल मीडिया यूजर्स के अनुसार पत्रकार पर नोएडा में हमला हुआ। एक एक कर सभी के नंबर आ रहा है, ऐसा उसमें लिखा जा रहा है। वहीं एक अन्य यूजर के मुताबिक चौधरी पर जूता फेंका गया है। सच्चाई क्या है, उसके तहत तक हम पहुंचेंगे। हमने खबर की सच्चाई जानने के लिए क्यूडर्स की मदद ली। गूगल सर्च के जरिए हम एक न्यूज रिपोर्ट तक पहुंचे जहां ये साफ हुआ कि चौधरी के चेहरे पर एक चोट किस तरीके से लगी और क्या इसके पीछे का वाकया था। वीडियो होस्टिंग साइट यूट्यूब पर भी हमने पत्रकार सुधीर चौधरी का वीडियो देखा और हमें एक वीडियो मिला जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये वाकया हुआ था। आपको बता दें कि जिस तरीके से हमने ये फोटो शेयर किया जा रहा था, हम देख रहे थे, ये बहुत लोगों ने ट्रेंड भी किया। साथ ही एक फोटो शेयर भी किया जा रहा था जिसमें दावा किया जा रहा था कि जी न्यूज के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है और उसके लिए भी हम क्यूडर्स के जरिए फोटो की पड़ताल करने गए और उसकी भी हमने सच्चाई पता की। क्या कुछ सच्चाई में निकल कर आया वो हम आपको बताते हैं। जिसमें कि एक क्यूडर्स पर हम गए, गूगल सर्च किया और एक जी न्यूज पर रिपोर्ट में पहुंचे जहां ये साफ हुआ कि सुधीर चौधरी के चेहरे पर जो एक चोट लगी है वो एक एक्सीडेंट के दौरान लगी है। वीडियो होस्टिंग साइट यूट्यूब पर भी एक वीडियो मिला जिसमें सुधीर चौधरी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मुंबई में उनका एक्सीडेंट हुआ था। वीडियो को 11 जुलाई 2019 को पोस्ट किया गया था। इससे साफ होता है कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा मारपीट का दावा सरासर झूठा है। साथ ही एक और भी फोटो शेयर किया जा रहा था जिसमें जी न्यूज के ऑफिस में तोड़फोड़ की दिखाई जा रही थी। हमने क्यूडर्स के जरिए इस फोटो की भी पड़ताल की और खबर बिल्कुल गलत निकली। दरअसल ट्यूबन इंडिया के मुताबिक ये फोटो 1 दिसंबर 2017 की है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबई स्थित प्रांतीय कांग्रेस कार्यालय में ये तोड़फोड़ की थी। निष्कर्ष ये निकला कि पत्रकार सुधीर चौधरी के साथ मारपीट और जो जी न्यूज के ऑफिस में तोड़फोड़ की बात थी वो बिल्कुल फर्जी थी। तो इस तरीके की वीडियोस जब भी आपके पास आए या आपको लगे कि इसकी सच्चाई क्या है तो हमारे नंबर्स पर आप भेजें, हम पड़ताल करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है। और ऐसी फेक न्यूज़ के खिलाफ जंग के लिए हमारे साथ जुड़िए और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।